job. फ्रेंड्स, क्या आपने भी LIC में अपनी पॉलिसी ले रखी है? और आपके पॉलिसी लेने के बाद आपके जो एजेंट थे, अब वो आपके कांटेक्ट में नहीं हैं? या फिर दोस्तों, जिन एजेंट से आपने अपनी पॉलिसी ली थी, वो एजेंट कंपनी से रिज़ाइन दे चुके हैं? या फिर फ्रेंड्स, जिन एजेंट से आपने अपनी पॉलिसी ली थी, वो एजेंट अब इस दुनिया में नहीं हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी इन तीन सिचुएशन में से कोई सिचुएशन है और आपके मन में भी ये सवाल है कि अब आपके पैसे का क्या होगा, आपकी पॉलिसी का क्या होगा, आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी या फिर आपकी पॉलिसी चालू रहेगी, या फिर आप क्या करें, ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाली हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपकी भी कोई पॉलिसी थी, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम 10 साल 20 साल की तो आप पॉलिसी लेते ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है, और अगर इस टाइम के दौरान जिन एजेंट से आपने पॉलिसी ली थी, अगर उन्होंने कंपनी को रिज़ाइन दे दिया है, कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है, या फिर अब वो आपके कॉन्टेक्ट में नहीं रहे, या फिर अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तो अब आपकी पॉलिसी LIC में चल रही है, या फिर आपकी पॉलिसी बंद हो चुकी है, या फिर आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी LIC में पॉलिसी ले रखी है और आपके साथ भी इन तीन सिचुएशंस में से कोई सी सिचुएशन है, या फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसा है कि जो आपके साथ हुआ है और आपको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने LIC को कंटिन्यू रखें या फिर बंद कर दें, या फिर आपके उस पैसे का क्या होगा, कहीं आपकी पॉलिसी बंद तो नहीं हो गई, आपको अपना पैसा कैसे मिलेगा, तो वो सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जानने से पहले हमको ये जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर एजेंट होता क्या है और एजेंट आखिर क्यों हमें सर्विस देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी कंपनी होती है इंश्योरेंस की, चाहे तो वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर व्हीकल का इंश्योरेंस हो, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो, तो उस इंश्योरेंस को, यानी कि वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उस कंपनी को चलाने के लिए, यानी कि उस कंपनी में वर्क लाने के लिए जो कंपनी के हेड होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनके थ्रू उनकी कंपनी में बिजनेस आता है, यानी कि बिजनेस लाने के लिए जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, जिन लोगों को रखा जाता है, उन्हें ही हम एजेंट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एजेंट का क्या काम होता है? एजेंट्स लोग हमें सर्विस देते हैं। सर्विस क्या देते हैं? अगर आपको कोई पॉलिसी समझनी है तो वो आपको पॉलिसी के बारे में समझाते हैं। अगर आपके पॉलिसी पे मैच्योरिटी आई है, मैच्योरिटी क्लेम चाहिए, तो वो आपको दिलवाते हैं। आपको अपना नाम अपडेट करवाना है, एड्रेस अपडेट करवाना है, लोन लेना है, पॉलिसी सरेंडर करनी है, या फिर आपको A to Z LIC से रिलेटेड कुछ भी काम करना होता है, तो LIC के एजेंट आपको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एजेंट्स की ड्यूटी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बताऊं कि LIC एजेंट्स को इसके बदले में क्या मिलता है, तो फ्रेंड्स उन लोगों को कमीशन मिलता है उनके काम का। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए उसमें जिस तरीके से वर्कर्स रखे जाते हैं, उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसमें वो लोग एजेंट को अपॉइंट करते हैं, उन्हें ही फ्रेंड्स हम लोग एजेंट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी पॉलिसी ले लेते हैं और क्योंकि कोई भी पॉलिसी 10 साल या फिर 20 साल से कम की नहीं होती है, और एजेंट से पॉलिसी लेने के बाद ऐसा हो जाता है कि वो हमारे टच में नहीं रहते और हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती है इस बात की, अब हम हमेशा इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कहीं हमारी पॉलिसी बंद तो नहीं हो गई, या फिर अब मैं पॉलिसी को कैसे चलाऊँ, या फिर मैं उसमें क्या चीज़ कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कांटेक्ट में आपका एजेंट नहीं है, तब आपको क्या करना है?
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के एजेंट भी आपके कॉन्टेक्ट में नहीं हैं तब आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपने LIC में कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है और आपने वो इंश्योरेंस किसी एजेंट के थ्रू लिया था, तो फ्रेंड्स एजेंट हमारी पॉलिसी में सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है। यानी कि फ्रेंड्स, आपकी जो पॉलिसी चल रही है वो LIC कंपनी में ही चल रही है। एजेंट आपके कॉन्टेक्ट में रहे या फिर ना रहे, उससे आपकी पॉलिसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अपनी पॉलिसी में टाइम टू टाइम प्रीमियम जमा कराना होता है। तो फ्रेंड्स, ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो LIC के एजेंट होते हैं वो आपकी पॉलिसी करवाते ज़रूर है, लेकिन वो आपकी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में करवा रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी LIC के अंदर में रजिस्टर्ड होती है। तो अगर आपको LIC के एजेंट आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट भी किसी भी ब्रांच से जाके सर्विस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम आप कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स सीधा सीधा मतलब मेरा कहने का ये है कि एजेंट रहे या फिर ना रहे, आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर एजेंट आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने जो आप प्रीमियम जमा करवाते हैं वो आप किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवा सकते हैं। अदरवाइज़ LIC के काफ़ी जगह ऑफिस भी खुले हुए हैं, LIC प्रीमियम पॉइंट जिसे बोलते हैं, आप वहाँ पे जाके भी अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम टू टाइम अपना प्रीमियम जमा करवाना होता है और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूँ कि अगर LIC के जिस एजेंट से आपने पॉलिसी ली थी और अब उस एजेंट ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है तो आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स, आप लोग दूसरे एजेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि आजकल LIC के आपको काफ़ी सारे एजेंट मिल जाएंगे जहाँ आपके नियर बाय LIC का कोई भी प्रीमियम पॉइंट हो, आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो आपकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं। आपको लोन के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए हो या फिर आपको सरेंडर के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो, आपको अपने पेपर तैयार करवाने हो या फिर आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो, तो वह आपको पूरी पूरी उसमें आपको हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात से आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आप जो भी पॉलिसी आपने ली है और एजेंट आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है तो उसके बाद भी आप अपनी पॉलिसी को चला सकते हैं। दोस्तों, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती है, अगर आपने किसी भी एजेंट से पॉलिसी ली है और पॉलिसी लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि एजेंट आपके टच में नहीं रह पाते, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप जब भी अपनी पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले जब भी आप पॉलिसी लेंगे कि उसके एक महीने के अंदर ही आपका जो बॉन्ड है वो आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके जो एड्रेस आप रजिस्टर्ड करवाते हैं उस पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना जो बॉन्ड है एजेंट से नहीं लिया है तो उसको आप सबसे पहले ले लीजिए। अगर आप जो आपका बॉन्ड है आपके एड्रेस पे नहीं आया है, कई बार ऐसा होता है कि बॉन्ड आपके एड्रेस पे नहीं पहुंच पाता, तो फ्रेंड्स वो क्या होता है कि एजेंट आपकी जो ब्रांच होती है वहाँ से ले लेते हैं। इसलिए आप अपने एजेंट से अपने बॉन्ड की मांग ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास बॉन्ड रहता है तो आप लोन लेते हैं या फिर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं या फिर उसमें मैच्योरिटी क्लेम आता है, डेथ क्लेम आता है, कोई भी आपकी पॉलिसी से रिगार्डिंग सर्विस आपको चाहिए होती है तो उसमें आपकी बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आने वाले समय में जो आपका एजेंट हो वो आपके टच में ना रहे या फिर आपको सर्विस ना दे पाए, तो फ्रेंड्स इसीलिए आप आज ही अपने बॉन्ड को अपने एजेंट से ले लीजिए और अपने बॉन्ड को संभाल के रखिए। फ्रेंड्स, जब भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपका बॉन्ड होता है उस पर आपका पॉलिसी नंबर हो गया, कब आपने पॉलिसी ली है, DOC जैसे बोलता है फ्रेंड्स, DOC हो गई, FUP हो गई, इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपकी पॉलिसी पे मेंशन होती हैं, कितने का आपने बीमा लिया है और कौन सी पॉलिसी है। तो दोस्तों सारी जो बातें हैं वो आपकी पॉलिसी पे मेंशन रहती हैं आपके बॉन्ड पे। तो फ्रेंड्स आने वाले समय में एजेंट आपके संपर्क में रहेगा या फिर नहीं रहेगा ये बात हम आज नहीं कह सकते, इसीलिए फ्रेंड्स आप जब भी किसी भी एजेंट से पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के बाद आप अपने बॉन्ड को अपने पास ही रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे एजेंट क्या करते हैं आपका बॉन्ड नहीं देते हैं और जब भी आपकी मैच्योरिटी आती है तो काफ़ी टाइम पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि उनके पास बॉन्ड नहीं होता है और एजेंट लोग कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का हमारा अगर हम एंड में मैं आपको एक चीज़ अगर साफ साफ बताऊँ
तो यही है कि अगर आपका एजेंट आपके टच में रहे या फिर ना रहे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी पॉलिसी को बंद बिल्कुल भी ना करें, आप अपना प्रीमियम खुद जमा करवाइए। अगर आपको डेट याद नहीं रहती है तो आप किसी पेपर पे हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं और उसी डेट पे अपना प्रीमियम जमा करवाइए और अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रखिए। और अगर आप किसी और एजेंट को अपना कॉन्टैक्ट में रखना चाहते हैं तो आप जो भी नियर बाय आपका LIC का ऑफिस होता है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। इसी के साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ, नई नॉलेज के साथ। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।